आए दिन पंजाब दे भोले भाले लोगों नूं वख वख कंपनियां वल्लों अपने जाल च फसा के कुछ ही साल च दुगनी रकम करन दा लालच दे के अपना शिकार बनाया जांदा है। इस तरह दे मामला सामने आया नाभा च जिथे एक निजी कंपनी दे वल्लों मिनी बैंक खोलिया गया सी अते आस पास दे पिंडां दे कई लोगों ने दुगनी रकम होने दे लालच च आके लखां रुपए दीआं एफडीआं लईआं ते कंपनी च रुपए इनवैसट किते, पर कुछ ही टाइम बाद इह कंपनी पैसे मुड़न दी जगह फरार हो गई। दस दिए कि फ्रॉड कंपनी के मुखी उपर 2022 च नाभा विखे केस रजिस्टर्ड सी अते आरोपी करनाल जेल दे विच बंद सी। इस मौके कंपनी की ठगी का शिकार हुए नाभा के एजेंट अशोक कुमार ने भावुक हुंदिया दस्या कि मैनू एक एजेंट बना के इस कंपनी च गरीब व्यक्तियों ने अपनी मेहनत की कमाई के लखा रुपए इनवैसट किए सी। साढ़े नाल लखा रुपए का फ्रॉड करन तो बाद कंपनी अपना दफ्तर बंद करके चली गई है, जिसका खुमियाजा मैनू भुगतना पै रहा है क्योंकि असी एजेंट होने के नाते लोगों का लखा रुपए इस कंपनी के इनवैसट किया। इस नाल ही व्यक्ति ने दसिया कि करियाने की दुकान करके अपने परिवार को चला रहा है, पर इस कंपनी ने उसनों बिल्कुल ही बर्बाद कर दिता। जिन्हों लोगों ने कंपनी में मेरे जरिए पैसे जमा करवाए सन वह मेरी दुकान तो करियाने का समान लैके गए और लोगों ने मेरे पैसे नहीं मोड़े। पीड़ित इस टाइम दर दर दोकरा खाने मजबूर है, 8,000 रुपये प्रति महीने से नौकरी कर रहा है। जी हाईटैक इनफ्रा जी उपल अपने कंपनी इन्हों की सर्वोत्तम जी ये है जी एम डी आ मलूक सिंह जी उपल तो इन्हों के दो बेटे गुरप्रीत सिंह जी तो हरप्रीत सिंह जी। पूरा माजरा की है? इन्होंने अपने नाभा पटियाला गेट एक कंपनी खोली सी जिद अपने एफ डी आई वगैरह करवाते कुछ मंथली इनवैसटमेंट करवाते। 2010 तो जी इन्होंने मैं अपना मैंबर बनाया, तो मेरे पास रजिंदर कुमार जी आए थे जी, एक कमलजीत जी कमलजीत कुमार आए थे जिन्होंने मैनू इन्हां दे नाल मैंबर बनाया सीगा। एज एजेंट मैं इन्हां कोले काम किया जी, 2010 तो काम कर रहा सीगा। इन्हां कोले जिहड़े गरीब तबके दे लोग ते लेबर दा काम करन वाले जां होर उन्हां नूं वर्करां नूं मतलब पैसे असीं ने इन्हां पहला दाणा मंडी विच हुंदा सीगा जी, उस तों बाद इह पटियाला गेट लै गए जी। ते जदों फिर इन्हां दे असीं पैसे जमा करवाउंदे रहे, इन्हों का पैसे वापस करने का टाइम आया तो इन्होंने किसी बंदे का भी कोई पैसा नहीं वापस किया। इन्होंने सानू कतवाली राही कुछ चैक दिते सीगे जेडे कि बाउंस हो गए, उस तो बाद फिर असी कतवाली चक्कर लगाते रहे तो हौली हौली इन्हें एफ आई आर होंगी रही तो ये टाल मटोल करते रहे, इन्होंने को बार बार जाते रहे, किसी किस्म का कोई वह पैसा नहीं इन्होंने दिता। उस तो बाद हुण लोगों तो सानू बड़ा खतरा होया पै जिदे नाल मैं एक दुकानदारी करता सीगा, वो अपनी दुकानदारी मेरी फेल हो चुकी है, लोगों के मैं पैसे भी दे रहा। किन्ने के पैसे ने किन्नी क अमाउंट है लोगों की जी? 10-12 लाख रुपये लगभग मैं लोगों ने देना जेड़ा इन्हों को कंपनी से मैं जमा करवाया। वो लोग फिर थोनू कहंदे ने भी सर? हाँ जी हाँ, किसी तो कोई 5,000 कोई 10,000 रुपया लै गया, मेरी दुकान जी बिल्कुल फेल हो चुकी है तो हूँ मैं 8,000 रुपये महीने तक किसी कंपनी काम कर रहा। मेरी किराने की दुकान सी जी, वो जी कि हूँ फेल हो चुकी है क्योंकि लोग किसी ने भी मतलब जो लैन देन वाले थे इन्हों के पैसे जमा कराए हुए थे, इन्हों वालों कोई रिस्पोंस नहीं मिले, तो मेरे को किसी ने 5,000 का सौदा लिया, 2,000 का लिया, इदा थोड़े थोड़े पैसे लोगों ने मार ले मेरे वो, तो इन्हों वालों कोई भी वो नहीं मिल रहा। हूँ अज इन्हों पुलिस वालों करनाल जेल में लिया गया तो अगर देखदा की कार्रवाई होंगी है, तो हूँ मैं बिल्कुल मतलब बर्बाद हो चुका, 8,000 रुपये महीने के काम करके अपने बच्चे पाल रहे हैं। मंगते ही करते हैं भी इन्हों वो तो जी सज़ा कानून तक मिलनी चाहिए है, जोड़े लोगों ने गरीबों के पैसे जमा करवाए उन्हें उन्होंने पैसे मिलने चाहिए ने ता कि सानू मतलब असी अपना ठीक तरीके रह सकी। राहत मिलेगी? हाँ जी सानू भी राहत मिलेगी, नहीं तो हर टाइम लोग मतलब सवेर तो शाम तक सानू गाला गलोच ही करते रहते हैं। हाँ जी असी इदा बेनती ये भी करते हैं वीर जी, जेडे इन्हों के दो लड़के है गुरप्रीत सिंह उपल जी ते हरप्रीत सिंह उपल जी, इन्हों भी जल्दी तो जल्दी गिरफ्तार किया जाए। मामला सर उरे अपने पटियाला गेट एक सर्वोत्तम कंपनी नाम की नाभे खोली सी कंपनी, इन्हों की ब्रांच पहले दाणा मंडी में सी, उस तो बाद अपने पटियाला गेट आ गई, जेडे कि 6 साल पैसे डबल करते, असी भी उन्होंने इनवैसट करे पैसे और लोगों के भी करवाए। किन्ने के पैसे? 25 लाख का सर करीब है जी मेरे यार लोगों की सर, तो वह 6 साल जो टाइम पूरा होया, टाइम पूरा होने पर जी इन्होंने सानू अज दिने 2 दिन दिने 10 दिन चैक आ महीने चैक आता, सानू चैक कुछ चैक मिल गए जी, बाकी दे चेक सानू नहीं मिले, वो चेक बाउंस हो चुके ने, असी उदू बाद कानूनी कार्रवाई कराई है जी, परचा दर्ज होया। मंग असी करते जी सज़ा मिलनी चाहिए एक तो जी,
एक साडा लोकां दा साडा पैसा जरूर वापस मिलना चाहिए जी। कतवाली नाभा विच पुलिस स्टेशन च एक मुकदमा नंबर 41 2022 का दर्ज सीगा, जिस विच अक्यूज मलूक सिंह सन ऑफ चरण सिंह नूं अज असी करनाल जेल तो प्रोडक्शन फ्रंट ते लिया के नाभा कोर्ट विच पेश किया। तो इस तों सर से पुछगिछ की गई है ते जिस नूं वापस करनाल जेल भेजा गया जी। बारे थोनों असी बाद दसांगे, इहदे विच दो तीन चीज़ां दसियां ने ते जिवें कोई गल होगी उहदे बाद आप इत्थों जानकारी दे। जज साहब ने इहनूं जुडिशियल रिमांड ते भेजता सीगा, साडे वल्लों पुलिस रिमांड मंगिया गया जी, पर उहनां ने जुडिशियल रिमांड च भेजता। हुण फिर किथे भेजेगा जी? करनाल भेजेगा जी कोर्ट च। नाभा तों तरुण मेहता दी रिपोर्ट।